हेलो फ्रेंड्स, अडोबी प्रीमियम प्रो के नए ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। अडोबी प्रीमियम प्रो के इस ट्यूटोरियल पे हम बात करेंगे कि किस तरह हम ऑडियो को यूज़ करें अपनी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे V1 नाम से वीडियो की ट्रैक है और A1 नाम से ऑडियो की ट्रैक है। अब आप इसमें कोई भी फाइल इम्पोर्ट करते हैं, जैसे ही मैंने इम्पोर्ट की तो आपको दो ट्रैक दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे, एक ट्रैक है वीडियो की, एक ट्रैक है ऑडियो की। तो वीडियो की ट्रैक से हमें यहाँ पे अभी लेना देना नहीं है, हम ऑडियो की ट्रैक पे काम करते हैं। तो ऑडियो की ट्रैक आपको यहाँ पे दिख रही होगी, आप उसको अगर बड़ा छोटा करना चाहते हैं वीडियो के बिना, तो सबसे पहले आप इसको अनलिंक कर लीजिए। अब यहाँ पे आप ऑडियो की ट्रैक को सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको अगर मैं नीचे करूँ तो मैं अपने ऑडियो की ट्रैक को थोड़ा बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेव्स बनी हुई हैं, वो दिखा रही हैं कि किस तरफ पे कितनी पिच है। जैसे यहाँ पे कम वेव है तो यहाँ पे आपको म्यूजिक डाउन दिखाई देगा, तो जब यहाँ पे टंग बजाई दिया तब यहाँ पे म्यूजिक अप हुआ है, तो उसकी अपवर्ड की तरफ को लेयर है। अब इसके बीच में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इससे आप इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर इसमें आपकी वॉल्यूम कम ज़्यादा होगी, अगर आप यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से भी अपनी वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप यहाँ पे कुछ, जैसे मैं 25 करता हूँ तो मेरी वॉइस ऑडियो की इंक्रीज होगी, जैसे ये देखिए, तो इस तरह से बढ़ा और थोड़ा सा नॉइज़ भी आ गया उसमें क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इसी तरह मेरे को 9 या 10 बढ़ाना चाहिए था। अगर मैं माइनस में जाता हूँ तो वॉल्यूम कम होगी, -25 में करके मैंने पिछले वाले से बराबर कर दिया, पुरानी वाली वापस आ गई है। अब मैं इसको और कम कर सकता हूँ, ऑडियो में जाके, ऑडियो गेन में जाके -9 करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए किस तरह से हमारी वेव छोटी हो गई तो और हमारा वॉल्यूम भी कम हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मैं वापस एवरेज पे ले जाता हूँ, -9 है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसमें 9 क्लिक करूँ तो ये वापस एवरेज पे आ जाएगा, तो इस तरह से आ गया। अब आपको इसके बीच में जो लाइन है, आपको स्टार्टिंग में कुछ चाहिए और उसके बीच में वॉल्यूम कुछ चाहिए तो उसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको बता दूं, आपको अपने कीबोर्ड में अल्ट की दबाना है और इसके ऊपर जाना है। ये देखिए इससे आप बीच में आप इसमें क्रिएट कर पा रहे हैं, इधर से आप अपने उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसको कम करता हूँ यहाँ पे तो आपको सुनाई दे रहा होगा, इस तरह से हमारी ऑडियो रिड्यूस होगी। तो आप इसमें चाहें तो यहाँ पे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख सकते हैं और बीच में ऐसे कम कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप जितने चाहें अपनी वीडियो पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको आगे ले जाता हूँ। अब आप मेरे को, मैं बताता हूँ कि अगर मैं इसमें कोई ऑडियो और ऐड करता हूँ, जैसे ये है ऑडियो, इसको मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो किसी तरह से आपको बीच में एक जर्क दिखाई दिया होगा। जैसे इसको मैं और करता हूँ तो अब आपको और जर्क दिखाई देगा, दो ऑडियो को ज्वाइन करने में एक जर्क दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आप उस जर्क को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, अगर आपको इसके बीच में भी यहाँ पे भी वही दिख रहा है तो आप इसको अल्ट दबाइए, इसके बीच में भी क्रिएट कीजिए। तो ये देखिए स्टार्टिंग में मैं इसकी आवाज़ कम कर देता हूँ और इसकी इसकी भी आवाज़ को मैं रिड्यूस कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए कि ये किस तरह होगा। तो आपको दिखाई दिया है किस तरह से एक से दूसरे में शिफ्ट हुआ। तो आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा कि एक कम हुआ है और दूसरा ज़्यादा हुआ है, लेकिन पहले एक को कम होके बिल्कुल म्यूट हुआ और दूसरा ज़्यादा हुआ है। अगर आप इसको जाएं, यहाँ इफेक्ट में जाएं और ऑडियो में जाके इफेक्ट में जाके क्रॉस करें, तो यहाँ पे क्रॉस फेड में आपको दिखाई दे रहा होगा क्रॉस पावर, आप इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लीजिए और इन दोनों का वो वापस बड़ा कर दीजिए। अब आप एक से दूसरे में डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगी इस इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने इफेक्ट्स में गया, इसको मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ पे देखिए इसका साइज़ बड़ा हो गया। अब देखिए किस तरह ये शिफ्ट होगा,
तो एक से दूसरे में डायरेक्ट चला गया। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आपको ऑडियो को, ऑडियो में इफेक्ट्स डालने हैं, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑडियो इफेक्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल है इफेक्ट्स के अंदर। आप इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट, जिसमें आप और नॉइज रिमूव कर सकते हैं, बेस बढ़ा सकते हैं, और भी अपने इसमें काफी सारी चेंजेस कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप इनको यूज कीजिए। और आपको यहाँ ऑडियो ट्रांजिशन भी दिखाई दे रहा होगा, जिसमें क्रॉस फेड में आपको दिखाया मैंने, क्रॉस कॉन्स्टेंट पावर दिखाया, ऐसे आपको क्रॉस गेन और बाकी भी दिखेंगे, जिनको आप यूज करके अपनी ऑडियो को बेहतर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ऑडियो को और इम्प्रूव कर सकते हैं Adobe प्रीमियम प्रो के अंदर। मेरी इस ट्यूटोरियल में फिलहाल इतना ही। आप उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं। हमारी इस ट्यूटोरियल को अगर आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे आने वाली ट्यूटोरियल्स के साथ अपडेट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।